दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य, आप लोग देख रहे हैं सुवो टीवी। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी डाउट फ्री नोटिफिकेशन आपका चलेगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, उसे बिल्कुल फ्री है। चलो सुबह शुरू, आज बात करेंगे पसंदीदार फोर के बारे में। आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों, पसंदीदार फोर होता क्या है, कैसे दोस्तों राशि के सहारे हम किसी व्यक्ति का पूरा साल कैसे आएगा हम बता सकते हैं। इसलिए दोस्तों पर्सनल ईयर के सहारे किसी भी व्यक्ति का पूरा साल कैसे आएगा हम बता सकते हैं। आप पर्सनल ईयर निकालते कैसे, आप यही सोच रहे हैं ना दोस्तों। चलिए आइए आपको दिखा। सबसे पहले दोस्तों आप अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 24/6/1992। तो आपको क्या करना है, आपका अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लेना है, वहाँ पर जिस ईयर का पर्सनल ईयर निकालना चाहते हैं। जैसे मैं 2020 का निकाला हूँ, आपको क्या करना है दोस्तों, जो डेट है उसको लेना है, जो मंथ है वो लेना है, और जो ईयर है दोस्तों उस ईयर को आपको 2020 से चेंज करना है। मतलब मैंने यहाँ पर 2020 लिख दिया 99 जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 2020 लिखना है, सिर्फ ईयर को चेंज करना है, आपको सिर्फ डेट को लेना है, मंथ को लेना है, और ईयर को चेंज करना है, 2020 करना है दोस्तों। इसके बाद हम क्या है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जैसे डेट्स का जो डेट था 24 उसको 6 आया है, जो आपका महीना था उसका 6 आया है, और जो 2020 था उसका टोटल 4 आया है। इसी तरह मैंने ये 6 को यहाँ पर ला दिया, फिर 6 को प्लस किया, फिर यहाँ पर 4 को प्लस करके दोस्तों यहाँ पर जो नंबर आया 16 को मैंने प्लस करके 7 आया। इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर 7 था दोस्तों। अगर दोस्तों आपका भी 4 आ रहा है पर्सनल ईयर, तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, साल भी 4 आ रहा है और दोस्तों आपके पर्सनल ईयर भी 4 आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर आपके लिए साबित होगा, कुछ गोल्डन ईयर भी साबित होगा। 4 नंबर रिसीव करता है दोस्तों आपके अनसर्टन इवेंट को, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे अनसर्टन इवेंट होंगे दोस्तों, जो आपके अच्छे के लिए भी हो सकता है, फिर बुरे के लिए, आपको तैयार रहना पड़ेगा। जाना शो करता है हार्डवर्क को, जो आपने पिछले साल आपने जो नॉलेज गेन किया है, जो ग्रोथ किया है, जो प्लानिंग किया है, उसको आप ऑर्गेनाइजेंस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके ऊपर आप काम करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, उसको पूरा करने में आप अपना पूरा साल लगा दें, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। इस साल ऐसा भी हो सकता है इतना मेहनत आप लोग काम करेंगे जिसके कारण दोस्तों आपकी सेहत में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, तो हेल्थ रिलेटेड इशू भी हो सकता है। काम के पेशन में आप शराब आदि स्मोकिंग आपको थोड़ा सामने रहना पड़ेगा। 4 नंबर डिफेंस करता है बैरियर को ओवरकम करना, मतलब दोस्तों आपके सामने जो बाधा है, चाहे आपको इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे बाहर हो, कोई बाधा है आपके काम में आ रहा है दोस्तों, उस बाधे को आपको बाहर निकल के जाना पड़ेगा, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। मतलब दोस्तों इस साल आपके सामने जो भी बैरियर आए, कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है दोस्तों जिसके कारण आपको बाहर जाना पड़ेगा, उस सिचुएशन के बाहर निकलने कोई ना कोई आपका आइडिया मिल जाएगा। आप पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल से कोई काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन काम में हो, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम में हो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए सफलता ही सफलता मिलेगी। आप कोई भी इंटरनेट से जो है कोई भी काम करते हैं, यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। पॉलिटिक्स में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, पॉलिटिक्स में कुछ नया मुकाम हासिल कर सकते हैं इस साल। सपोज आपको कोई टिकट नहीं मिला पॉलिटिक्स का, वहाँ पर आपको टिकट मिल सकता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में अच्छे रिजल्ट होने के चांसेस। आप बहुत ही हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, बैरियर ओवरकम करेंगे। आपको क्या करना है, अपने बाहनी की तरफ कंट्रोल रखना, शराब आदि से दूर रहना है दोस्तों, तभी आपको 4 नंबर का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों आपके जनवरी महीना बहुत ज़्यादा खुशियों भरा समय रहेगा। आपने जो प्लानिंग पिछले साल जो ग्रोथ हुआ था उसका भरपूर मज़े उठाएंगे, दोस्तों के साथ मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ अनोखा सीखेंगे दोस्तों। आप आते फरवरी के महीने, फरवरी महीने में आप जो सीखे हैं, जो कमाई की है दोस्तों आपने बिजनेस से या जॉब से, उस पैसे को आप खर्च करेंगे अपने फैमिली के ऊपर, अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं दोस्तों, लग्जरी आइटम रिलेटेड कोई भी चीज़, कार बंगला खरीद सकते हैं, उसको ठीक करके बना भी सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों आपके मार्च के महीने में, पैसे खर्च करने बाद आपको ध्यान में आएगा कि आप मुझे क्या करना है, इस काम को कैसे पूरा करना है। आप अपने सेल्फ जो एनालिसिस करेंगे, कैसे करना है, क्यों कर रहा हूँ मैं, आप खुद का एनालिसिस करेंगे, फिर जाकर आपको समाधान मिलेगा। और दोस्तों अप्रैल के महीने में जाकर उस समाधान को आप काम में ला सकते हैं, मतलब दोस्तों आपने जो सीखा है मार्च के महीने में, उस मार्च के महीने का काम आप अप्रैल में महीने जाके करेंगे, और अप्रैल के महीने का काम आपके मई के महीने के फल मिलेगा। मतलब दोस्तों आपके अगर लोन में कोई परेशानी तो लोन मिल जाएगा, काम में कुछ दिक्कत आ रही तो दिक्कत का काम मिटक जाएगा, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पर कोर्ट केस बढ़िया जाएगा। महीना बढ़िया जाने के कारण दोस्तों आपको
के महीने में बहुत सारा क्रिएटिव चीज़ करेंगे, कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, कुछ नया चीज़ शुरू कर सकते हैं, कुछ नया रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करेंगे, चाहे वो पुराना चीज़ को बंद हो गया उस काम को फिर से स्टार्ट करना, ऐसा कोई काम हो सकता है, सरकार से आपको बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद जुलाई के महीने में आप थोड़ा सा इमोशनल रहेंगे, डीप इमोशनल फीलिंग करेंगे, क्या चाहे आपके लिए अच्छा समय जा रहा है बुरा समय जा रहा है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इनर वे थे लेंगे, अंदर लेंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जुलाई के महीने में इमोशनल प्यार मोहब्बत फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस समय आप फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, खाने पे थोड़ा मन भी बसेगा दोस्तों। आप आते हैं जून के बाद, जुलाई के बाद दोस्तों आपके अगस्त के महीने में, अगस्त का महीना भी बहुत ही बढ़िया जाएगा, अगस्त के महीने में दोस्तों आप घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य हो सके, घर में कोई नया मेहमान आ सके, शादी करने का योग, शादी होने का योग दोस्तों, फैमिली के साथ धर्म तीर्थ यात्रा में जाने का, कुछ किताबी नॉलेज लेने का दोस्तों, कोई गुरु से अच्छे सलाह लेने का, किसी से अच्छे सलाह लेने का, तो कहीं ना कहीं इस समय ग्रोथ का भी समय, जो आपने काम किया है दोस्तों अप्रैल से महीने के लेकर, उस चीज़ के लिए कोई ग्रोथ हो दोस्तों, और जिसके कारण दोस्तों आपके सितंबर के महीने में आप अगस्त के महीने में जो चीज़ सीखे, जो गुरु जो सलाह लिए, जो किताबी नॉलेज लिए, उसको आप हार्ड वर्क तरीके से काम कर सकते हैं, मतलब दोस्तों सीखने का काम आप सितंबर के महीने में बहुत बढ़िया तरीके से उस काम को पूरा कर सकते हैं, बहुत हार्ड वर्क डिसिप्लिन की तरह आप कर सकते हैं दोस्तों। आप आते हैं दोस्तों आपके सितंबर के बाद अक्टूबर के महीने में आप थोड़ा सा फ्रेंडली होंगे, आप कहीं पर घूमने जा सकते, दोस्तों के साथ मज़े कर सकते हैं, कुछ सोशल नेटवर्क के साथ में जुड़ सकते हैं, लोगों से बातें करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया समय रहेगा दोस्तों। नवंबर के महीने फैमिली के साथ गेट टुगेदर, थोड़ा सा घूमने जाना, शादी करने के योग, बहुत ही रोमांटिक रहना, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरफ झुकाव रहना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा पैसे खर्च करना, ऐसा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों दिसंबर के महीने में दोस्तों क्या होगा, आप खुद को सेल एनालिसिस करेंगे कि अगले साल मुझे क्या करना है, अगले साल के लिए आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन सब करेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों आपका आखिर का महीना जो रहेगा वो बहुत ही बढ़िया जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या होता है नंबर चार के मामले में, नंबर चार कभी गेट कर सकता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर गलत फहमी से बाहर निकल आए तो आपको बहुत बढ़िया समय मिलेगा, बहुत सुबह का सूरज देखने का मौका मिलेगा, इस समय से कुछ सामने जो खराब समय आएगा उस समय का जब भी आप ओवरकम कर जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग कर ऑर्गेनाइज करके डिसिप्लिन रह के, तब आपको उसका फल बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि राहु दोस्तों जो भी देता है अचानक से देता है दोस्तों, इसके वजह से आपको बहुत बढ़िया फल मिलेगा दोस्तों। उस अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और मेरे वीडियो देखने के दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह में बाकी वीडियो देखते रहना।